दादा बोलो, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हरी भाई। हरी भाई, आपको कुछ हुआ है क्या पैर में? वो कुत्ते ने काटा था। कुत्ते ने काट लिया था? तो आपके घर में कौन कौन है? घर में कोई नहीं है। कोई भी नहीं है? लड़के बच्चे? बच्चे है, लेकिन वो अपने नालायक निकल गए। नालायक निकल गए? कहाँ रहते हैं वो? ये माकड़ा गाँव। माकड़ा गाँव में? तो आप यहीं पे सोते हो? हाँ, यहीं पर सोते हो। खाना पीना? खाना तो दे के गया था, तुम्हारा जो भतीजा था। हाँ, दे के गया था अभी। हाँ, उन्होंने ही मेरे को फ़ोन किया, जो दे के गया ना आपको खाना। हाँ, उन्होंने ही मेरे को फ़ोन किया है, कैसे एक आदमी है और उनको मतलब ऐसे पैर में कुत्ते ने काटा हुआ है। वो तो अभी सूख के आ रहा है। सूख गया है? इतना टेंशन नहीं। इंजेक्शन पाली तना गया था ना, पाली तना सौराष्ट्र। हाँ, सौराष्ट्र। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? गुजराती हूँ। गुजरात में कहाँ के? ये इधर का नजीक माकड़ा गाँव। माकड़ा गाँव के? तो आपका घर बार वहाँ पे नहीं है, वहाँ नहीं रहते हो आप? नहीं जाता ना, मैं अभी लाहौर से निकल गए। मैं घर द्वार छोड़ दे रही है, मुक्की दी दू घर द्वार। तो आपकी बीबी? बीबी तो ऑफ हो गई ना। ऑफ हो गई? हाँ। क्या हुआ था उनको? कैंसर था गले का। गले का कैंसर था? तो मैं तकलीफ में हूँ इसीलिए। नहीं, तो हम आपकी मदद के लिए ही आए हैं। मेरे को फ़ोन आया, तो मैं अभी घर पे ही था, तो ऐसे ऐसे फ़ोन आया कि एक दादा है वो ऐसे रोड पे बाहर रहते हैं, तो उनको रहने की जगह का इंतज़ाम करना है ताकि वो आगे। लोगों का कटिंग बटिंग सब आता है। अच्छा, सब्जी बना दूंगा। खाना वाना बना लेते हो? खाना रोटी नहीं बना दूंगा, रोटी का आटा बांध दूंगा। अच्छा, और सब्जी बना दूंगा। तब तो हमारे शेल्टर में आपको काम भी मिल जाएगा। वहाँ पे लोगों का खाना बनता है ना, तो वो आप बना सकते हो वहाँ पे सब्जी खाना। बहुत अच्छी जगह है, तो आपको एक अच्छा जगह मिलेगा। ऐसे आप अभी रोड पे यहाँ पे सो रहे हो, तो इससे मुकद्दर में लिखा है ना, तो कोई ना कोई तो साथी मिलेगा ना। नहीं, वही समझो, मैं साथी मिला। भगवान कोई ना कोई रास्ता ढूंढ देता है। तो दो दिन से खाना खिला के जाता है वो। अच्छा, दो दिन से आपको खिला के जाते हैं? हाँ, दो दिन से। नहीं सोता मैं इधर कायम ही। हमेशा यहीं पे सोते हो? हाँ। तो जाने का होगा, मेरे को एक घंटे पहले बोल दीजिएगा। नहीं, मैं आपको लेने ही आया हूँ अभी जाने। हाँ, क्योंकि मैं अभी सो रहा था आराम से, मैं भी तो। हाँ। मेरे को फोन आया ना कि ऐसे वो बाहर सोते हैं, तो मैं कहा चलो अभी उनको पहुँचा देता हूँ, फिर मैं वापस आके सोऊंगा। मैं इधर चलथान में ही रहता हूँ। चलथान? हाँ, मेरा घर चलथान में है और मेरा यहाँ पे आश्रम है सूरत में। हाँ, ये अपना ये पर्वत पाटिया है ना, वहीं पे। अच्छा है, वहाँ रहने का खाने का सब चीज़ है फ्री में। अभी जाने का? अभी जाने का, अभी मैं गाड़ी लेके आया हूँ। अच्छा, तो अपने 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। वो तो पहुँच जाएंगे, पर्वत पाटिया तो दूर नहीं है। क्या हुआ है पैर में, दिखाइए ना। ये तो अभी सूख गया। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया ना? हाँ, अभी तो। ये जख्म है ये ना? हाँ, दो दिन से खाना खिलाया मेरे को। अच्छा, क्या करें, कोई बात नहीं, परिस्थिति ऐसी हो जाती है। हम लोग बच्चे को पाल के बड़ा करते हैं कि अपने बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये डंडा आपका ना? डंडा तो इसीलिए कुत्ते के लिए रखना पड़ रहा है। अच्छा, कुत्ता आता है काटने के लिए। हाँ हाँ, के लिए रखना पड़ता है। मैं भी ऐसे लावारिस नहीं हूँ। नहीं, आपने बताया आपका घर बार सब है, अभी ऐसे हो गए हो। हाँ, फिर मन में हट गया ना वो वस्तु, भूल जाता मैं। हाँ, जहाँ मान सम्मान नहीं मिले तो इंसान रोड पे रहना पसंद कर लेता है, लेकिन
आ जाओ बैठ जाओ। लकड़े ले लो, चलेगा। चल, लकड़े की जरूरत नहीं है, वहाँ कुत्ते नहीं होते हैं। हाँ वहाँ कुत्ते उत्ते नहीं होते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि दादा कैसे रोड पे रह रहे थे और हम लोग बहुत चैन से घर में सोते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऐसी हालात में रोड पे रहते हैं और नींद भी आना कि इतने बड़े बड़े ट्रक यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, कुत्ते का डर, लोगों का डर कि कोई आके कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। तो हमेशा एक वीडियो बनाने का मकसद होता है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों की मदद करें। जो ज़िंदगी भगवान ने हमें दी है, जो चीज़ें हमें मिली है, तो अगर हम उन्हें थोड़ा लोगों में भी बांटें, अपने आसपास जो भी ऐसे दुखी हैं उनके बारे में भी सोचें, तो बस इसी कोशिश के साथ, इसी भाव के साथ हमेशा हम लोग वीडियो बनाते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हम नहीं देखना चाह रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा है। आज मान लो ये दादा इस परिस्थिति में, ऐसी हालत में रोड पर, कल हम भी हो सकते हैं। तो हमें इस संस्कार को, इस प्रथा को बचा के रखना है कि हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं, तो क्या पता कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे भी कोई काम आए। तो आसपास लोगों की मदद करते रहें और जितना हो सके आपस में ये वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग इस वीडियो को देख के भी समझ सके कि क्या पता किसके अंदर का कब इंसानियत जागे और वो अपने आसपास लोगों की मदद करे। और नहीं आसपास होता है तो कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत करे, अपने घर में लोगों की मदद करे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। तो चलते हैं अभी हम लोग शेल्टर होम। खाना पीना सब कुछ मिलेगा। आ जाओ। बस आ जाओ, इस पे बैठ जाइए, इधर बैठ। बस यहीं पे रहना है। ठीक है, ये आपका बेड है, सुबह में रसोड़ी है, खाना पीना चाय नाश्ता सब कुछ मिलेगा। इतने सारे लोग रहते हैं ना, आराम से काम धंधा भी करेंगे, अपना साफ सुथरा होके बाथरूम है, नहा लेना है, अच्छे से रहना है, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई तरह की बीमारी नहीं पकड़ेगी, रोड से अच्छी ज़िंदगी मिलेगी ना यहाँ पे। अच्छा है ना, इधर एयर कंडीशन वाला काम है ऐसा। आप ही लोगों के लिए बना है? हाँ, वो तो चलते रहता, ऊपर वाला देखता ना सबका। हाँ, नीचे वाला दुख देता है तो ऊपर वाला सहारा देता है। देता है ना। अभी आपको यहीं पे अच्छे से रहना है, नहाना धोना है सुबह में, एकदम बाथरूम वगैरह यहीं पे है, जाना है सुबह में बाल वाल काट लेंगे, नए अच्छे कपड़े पहन लेना है और अपना काम धंधा करना है, अच्छी ज़िंदगी जीना है। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे को कटिंग बटिंग में सब्जी वब्जी बनाने का होगा तो मेरे को आता है। तो फिर अपना यहाँ घर है उसमें आपको आता है तो अच्छी बात है, आप हाथ बटाओगे काम में। चावल भी बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। हाँ चलिए, तो यहाँ पे बस सबको सपोर्ट करना है, सबका एक दूसरे का सहारा बनना है, लड़के ने जो किया उसको भूल जाना है, रोड पे जिंदगी बिता के अपने शरीर की वो नहीं करना है। लेकिन वो ऊपर वाला तो कभी अपना अच्छे से रहे तो अच्छा आदमी नहीं मिलेगा हमको? मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, मिला ना आज। हाँ।